वाला भाई, अभी मैं बोलू मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी। अबे साले, ठीक है, थूक भी निकल रहा है। हाँ तो थूक आएगा भी कहाँ से, सारा का सारा थूक तूने चाइना का पिछवाड़ा साफ करने में लगा दिया ना। ये बात तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमारे में अगर कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है जैसे कि फैजू, हाँ बस गाने के नाम पे अपना पिछवाड़ा हिला दो और उसे कंटेंट का नाम दे दो जी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं YouTube वर्सेस TikTok, जिसने पूरे YouTube पर कतई आग सी लगा रखी है। हमारे में अगर कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है जैसे कि फैजू, अबे साले, एक ही टॉपिक को बार बार कॉपी करके उसकी टांग मारने को कंटेंट नहीं कहते मेरे भाई, और उसके बाद उसको कंटेंट का एंडी रोना कह देना ना, कंटेंट नहीं हो जाता, समझ गया? कैसा लगा मेरा मजाक? अबे साले, अच्छा तो यू क्रिएटर है? अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट बना लिया। यू कंटेंट है, क्रिएटिव कंटेंट हो रहा है आजकल टिकटॉक पर। मुझे लग रहा है आने वाले समय में ऑस्कर फिल्म को ना देकर ना इंडिया चलेंगे, टिकटॉकर है ना इनको देने वाले हम। आई लव यू गाइस अ लॉट। अबे साले, टॉप पे जाके देखोगे ना तो जितने भी टिकटॉकी है ना सारे एक ही टॉपिक पे 2-3 मिलियन वीडियो बना रखे हैं, और ये लहन की बॉडी सारी एक ही जैसी है। और हाँ, यूट्यूब पे कंटेंट को टिकटॉक पे अपलोड करके और उसके ऊपर लिपसिंग करके ये उसको अपना ओरिजिनल कंटेंट कहते हैं। अरे मतलब लहन की बॉडी कहाँ से आ जाओगे तुम, इतनी हिम्मत कंटेंट बना के पोस्ट कर दे। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, और मेरे भाई सुन, जो तू कह रहा है ना कि TikTok के जो होते ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होते हैं, तो भाई तेरे को दिमाग के इलाज की जरूरत है, जाके संडास खाने में जा और अपने दिमाग के इलाज करवा ले। तुम लोग यूट्यूबर नहीं हो, तुम लोग एक सस्ते रोस्टर हो। लो ये भाई सब भी बोले, ठीक है, थूक भी नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो? अबे तू के हम पे थूकरेगा, हम तेरे पे थूकरते हैं बवासीर जैसे शक्ल वाले। शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर ले। थूक भी निकल रहा है, जब तेरी शक्ल ही थूक और गोबर जैसे तो थूक कहाँ से आएगा? और ये जोकर है घंटा। हमारे में अगर कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है जैसे कि फैजू हो गया, अच्छा बज्जू कंटेंट भी बनाता है। एक मुर्गी थी, उसके दो बच्चे थे, एक का नाम था, एक का नाम था। अरे मेरा भाई कह रहा है कि फज्जू कंटेंट बनाता है, आप भी देखो कि फज्जू कैसा कंटेंट बनाता है। ऐसे दौड़ने को कंटेंट बोलते हैं अजी। और इनके एंडी रोने वाले कंटेंट के बारे में कि मैं क्या ही बोलूं। पहले तो ये अपनी लंडूरी सी शक्ल बना ले काली वाली सी करके, और अपनी लंडूरी सी शक्ल से वो लंडूरे से हो जाए, और ये एक्टिंग करे कि हम काले से गोरे हो गए। क्या 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 लहन के बोर्डो, क्या क्या भेदभाव फैला रहे हो रंग का? हर चीज का ट्रेंड है, पिछवाड़े में बवासीर से लेकर सिर में हुई खुजली तक, कुछ टिकटॉकर्स को छोड़ के जो है सारे टिकटॉकर्स की वीडियो मैंने सेम देखी है और सेम ही होती है। आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हो, हम लोग अबे चमन लंडूर है, इतनी गर्मी में जैकेट कौन पहनता है बे? तो गाइस मैं अब भी आया हूँ अपने ट्रैक्टर को पार्क करके अपने प्लॉट पे। कट कट कट, 5 रुपए ओवर एक्टिंग का कट कट इसका कट। यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बात। कॉपी करने का काम नहीं है, तुम लोगों का है। यूट्यूबर्स जो होते हैं ना एक ही टॉपिक पे वीडियो तो बनाते हैं लेकिन उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, समझा? चमन लंडूरे मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और तू गधे वाली। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा। तू लाफे की बात करे तो आसपास भटक के दिखाते ना, तेरी मैंने रसमलाई सी बना दी। तुमको कंटेंट क्रिएटर बोला जाता है घंटा। आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हो, हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। मुन्ना तुम कंटेंट क्रिएट नहीं करते, बवासीर क्रिएट करते हो। अच्छे कंटेंट क्रिएट यार, अपने कंटेंट को क्रिंज बोलने ही वाला था लेकिन सही मौके पर बात संभाल ली। सो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और गाइस मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को कोई हर्ट नहीं करना चाहता था, अभी ट्रेंड चल रहा था यूट्यूब पे यूट्यूबर से टिकटॉक का, तो मैंने ये वीडियो जो है बनाई है आपके एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए और किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई है। और गाइस मैं आपको बताऊं भी, जो मेरी नेक्स्ट कमिंग जो वीडियो है उसमें मैं ये अनबॉक्स करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो अभी तो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर्स जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो पुराने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू। तो ठीक है, मैं ऐसी ही वीडियो और बनाता रहूंगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और थोड़े हालात ठीक होंगे तो बाहर जाके और अच्छे कॉन्टेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ठीक है गाइस, टिल देन बाय, और सब्सक्राइब करते हुए जाना मेरे चैनल। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।